एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई है। ये बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। शिवांगी राजपूत 7 न्यूज चैनल के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ साल पहले लोग नेताओं से बहुत डरते थे, लेकिन अब बहुत सारे नेता जय और वीरू से डरते हैं। जय और वीरू 16 फिल्म के अमित जी और धर्मेंद्र जी नहीं है, बल्कि यह गुजरात के अमित जी व मोदी जी है। हम रात को 10:30 बजे अपना व्हाट्सएप फेसबुक बंद करके सुबह की कोई नई प्लानिंग करके सो जाते हैं, तो यह रात में यह दोनों मोटा भाई मिलकर सुबह का सारा प्लानिंग चौपट कर देते हैं। यानी मध्यरात्रि, यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश हित में होने वाले कार्य देश के विकास को एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। मेरी जैसी छोटी रिपोर्टर इस बात को भलीभांति जानती है, पर विपक्षी पार्टियों को यह विकास नजर क्यों नहीं आ रहा है? यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। CAA और NRC के बारे में जनता को भड़का कर सड़क पर प्रदर्शन करवा कर देश की गति को जो विराम दिया है, इसका जिम्मेदार किसे माने? दिल्ली हो या UP, यह दोनों राज्य देश के लिए दो महत्वपूर्ण राज्य है। हमारा देश फॉलो पैटर्न पर चल रहा है और देश के कई राज्यों के लोग इन दोनों राज्यों को फॉलो करते हैं। यही दोनों राज्यों में CAA को लेकर जो विवाद हुआ है, पूरा देश जानता है इसका कर्ता धर्ता कौन है। इस कानून को समझाने के लिए और विपक्ष के कान पकड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर CAA और NRC के बारे में लोगों को सही जानकारी दे रही है। जिसके पास सत्ता नहीं है, वह सत्ता पाने के लिए देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता को समझा रहे हैं। देखिए 7 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। न्यूज चैनलों में, अखबारों में, समाचार पत्रों में और सारे दृष्टिकोण में हम सब ने सुना होगा कि मध्य देश की मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाई कि उससे मुसलमानों को देश से भगा देंगे। हमने कहीं हमने सुना होगा पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले कम्युनिस्टों ने पूरे देश में आग लगाने की और अपने भाई भाइयों को लड़ाने का बड़ा प्रयास किया। अपने यहाँ तो अमन चैन का माहौल है, जैसा कि हम सबको बीच में एक बड़ा प्रेम और स्नेह और सद्भाव का माहौल है, लेकिन देश के अंदर 2-3 यूनिवर्सिटियों में और कई बड़े शहरों में, मेट्रो शहर में कहीं आग लगा दी, कहीं बसों को आग लगा दी और बड़ा माहौल इस देश का ख़राब करने का प्रयास किया गया। और उसके पीछे ये कहा गया कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ऐसा एक बिल लाया जिसको सदन में पास करा दिया है, जिससे देश के मुसलमानों को देश से भगा देंगे। मैं आप सबको बिल के बारे में और बिल की जानकारी यहाँ साझा करने भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में आज एक साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कि हम घर घर जाएं, प्रत्येक मुस्लिम के घर जाएं, प्रत्येक हिंदू के घर जाएं और जन जागरण करें। उस बिल क्या है, ये अमेंडमेंट क्या है, ये एक्ट क्या है, ये कानून देश की जो सरकार ने बनाया है क्या है, ये आप सब लोगों को हम बताएं। इसलिए आपके मध्य आए, मैं इस बिल के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो बिल देश की सरकार लई है, देश की सरकार ने पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में दोनों सदनों में पास कराकर राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से ये अब एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस बिल में किसी भी भारतीय की, किसी भी मुस्लिम की, किसी भी धर्म की, किसी पंथ की, किसी संप्रदाय की, किसी जाति की कोई नागरिकता छीनने का अमेंडमेंट नहीं है, कोई ऐसा एक्ट नहीं है। यहाँ इस बिल में नागरिकता देने का प्रावधान है, हम देश के लोगों को नागरिकता देंगे, ना कि नागरिकता छीनेंगे। ये जो कुछ राजनीतिक दल अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है आपको और हमको लड़ाने का षड्यंत्र है। जितना देश इस देश के हिंदुओं का है, सनातन धर्म के मानने वालों का है, उतना ही ये देश इस देश के राष्ट्रवादी मुस्लिमों का है जो बरसों से आपके बाप दादा और हमारे बाप दादा साथ में रहके आ रहे हैं। इसलिए इस बिल के माध्यम से इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हैं कि ये जो एक्ट है ये आपका और हमारे सबके लाभ के लिए है।
क्या हम सोच सकते हैं कि आज ये आलमगढ़ जैसी छोटी बस्ती में मान लो कि 2000 के लोग रहते हैं, ये 2000 के लोगों की बस्ती में 3000 लोग और अप्रवासी आ जाए और यहाँ रहने लग जाए जो अवैध हैं, जिनका वैधानिक मूल्य नहीं है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से कहीं घुसपैठिए देश के अंदर आ गए हैं, उन लोगों को क्या बाहर उनकी नागरिकता जांच करके क्या बाहर नहीं करना चाहिए क्या? तो ये जो कानून है साहब, ये कानून सिर्फ यही है, इस CAA के बाद में NRC लाने का प्रावधान भी मामला सिर्फ इतना ही है, जो देश का वो देश में रहे, जो यहाँ जबरदस्ती घुसपैठ आ गया, आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ निर्माण कर रहा है, उन लोगों को इस देश से बाहर निकालना चाहिए। तो देश के मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जो इस बिल को लाए, ये अमेंडमेंट एक्ट किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना आपके खिलाफ है ना हमारे खिलाफ है। इस बिल में जितने भी लोग हैं जो कि देश का है, वो देश के नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे, और जिन लोगों को नागरिकता देनी है वो कुल मिला के है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद में, तो पाकिस्तान में जो हिंदू गया है वो उस समय वहाँ 24% हुआ करता था, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन, ईसाई और क्रिश्चियन। आज वो 2014 तक के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वो घटकर रह गया 1.5%। तो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व पहले जो वहाँ का अल्पसंख्यक भाई किसी भी प्रताड़ना का शिकार होकर अगर भारत में आ गया है तो उसको नागरिकता देने का हमारा देश का प्रावधान है कि उसको देश की नागरिकता दे, उसको इसमें रहे। तो मेरा आज आप लोगों के बीच हम आए हैं, आपसे ये आग्रह है कि इसमें इस ब्राउज़र में सारी जानकारी आप पढ़ें और सारे अपने भाइयों को बताएं कि ये जो एक्ट है ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये देश का मुसलमान इस देश में ही रहेगा, ये ये देश जितना हिंदुओं का उतना ही मुसलमानों का। आप सब गुमराह नहीं, और मेरा आप सबसे आग्रह है कि जितनी जानकारी थोड़ी मैंने आपसे साझा करी है आप नीचे तक साझा करें और किसी के बहकावे में नहीं आए। इसके समर्थन में पूरे देश के लोग, पूरे ज़िले के लोग मिलकर मंदसौर ज़िले में 11 जनवरी को एक बड़ी रैली का आयोजन मंदसौर में कर रहे हैं, मौन रैली का, हम एक पैदल मार्च के रूप में निकलेंगे और उसमें हमारे हाथ में तथ्य होगी कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, तो उसमें भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप सब आएँ और उस बिल का समर्थन करें।